एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमको इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है और थर्ड टर्म का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। 16z² को लिख सकते हैं 4z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे टर्म का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये केवल x का स्क्वायर है, तो इस केस में हम आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हमने सबसे पहले पूरे टर्म का होल ऑफ स्क्वायर कर लिया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर सकते हैं, x + y + z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा 2x, y हो जाएगा हमारा 3y और जो हमारा z हो जाएगा वो हो जाएगा 4z। ठीक है, तो फिर एक बात को और अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखो कि ये जो z वाले जो टर्म है, जहाँ पर देखो इस वाले टर्म में भी z है और इस वाले टर्म में भी z है। ठीक है, इन दोनों के टर्म में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम जो z को लेट करेंगे उसको नेगेटिव साइन के साथ में लेट करेंगे, तभी हमारा फॉर्म जो आइडेंटिटी होगी वो इस पर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने z को लेट कर लिया, माइनस यहाँ पर 4z था तो -4z। ठीक है, अब देखो जो हमारी आइडेंटिटी है वो है x + y + z का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² y² z² 2xy 2yz 2xz। ठीक है, प्लस का साइन लगा सब में। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमने x की जगह पर रखा है, y की जगह पर रखा है, z की जगह पर रखा है, उसको सिंपली हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो तो x का स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल ऑफ स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा 3y का होल ऑफ स्क्वायर, z का स्क्वायर होगा -4z का होल ऑफ स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीच के टर्म्स में नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है इसलिए। ठीक है, तो 2xy अगर आप करो तो 2 × x है हमारा 2y और y जो है वो हमारा है 3y, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12xy आएगा। ठीक, 2yz करोगे तो -24yz आएगा, 2xz करोगे तो -16xz आएगा। ठीक है, और यही आपका क्वेश्चन भी है, देख लो आप 12xy - 24yz और -16xz। ठीक, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है। तो आप सिंपली x, y और z की वैल्यू को रख दोगे, ठीक है, और इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दोगे तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो दो बार क्योंकि उसका स्क्वायर है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का है, हो सकता है आपको पहला नहीं समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा है। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमको आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर भी देखिए, पहले टर्म का स्क्वायर है, दूसरे का है, तीसरे का, तो यहाँ पे हमने एक दिमाग लगाया कि यहाँ पे हम x + y + z का होल ऑफ स्क्वायर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस टर्म का पूरा होल ऑफ स्क्वायर करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे केवल x स्क्वायर लिखा हुआ है, पूरे टर्म का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2x² को हमने क्या लिख दिया, √2x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक, y का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, y का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8z² लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हमने एक तरह से x² लेट किया है। ठीक, इसको y² और इसको z², तो जो आपका z² है वो है 8z². ठीक, उसके इक्वल है। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, उसका होल ऑफ स्क्वायर, तो आप उसको लिख दो 2√2z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, आप इसको लिख सकते हो ना, 8z² को आप लिख सकते हो 2√2z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक,
एक चीज़ आप नोटिस करो क्वेश्चन में कि यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ हुआ है, ठीक है। आपका फॉर्मूला पूरा पॉजिटिव है, ठीक। यहाँ पे कहीं भी आपको नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिलेगा, इट मीन्स कि आपको उस टर्म को नेगेटिव साइन के साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि ये जो एक्स वाला टर्म है, ठीक है, इस वाले में एक्स टर्म है और इस वाले में भी है, तो इन दोनों में हमें नेगेटिव साइन का यूज़ करना है। तो हमें क्या करना होगा कि हमने एक्स जिसको भी लेट किया है, जैसे कि यहाँ पे एक्स है माइनस अंडर रूट टू एक्स है यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट केवल अंडर रूट टू एक्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस का ले लेंगे तो हमारे टर्म्स में नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स को माइनस अंडर रूट टू एक्स लेट किया, ठीक। वाई हमारा वाई रहेगा और जो हमारा जेड होगा वो हो जाएगा टू अंडर रूट टू जेड, ठीक है। अगर हम टू एक्स वाई करें तो टू इंटू एक्स हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स माइनस का, और वाई हमारा वाई था तो यहाँ से आंसर आया माइनस टू अंडर रूट टू एक्स वाई, ठीक। ये देखिए यहाँ पर भी है ये। इसी तरह आप करोगे टू वाई जेड तो फोर अंडर रूट टू वाई जेड आएगा, फिर टू एक्स जेड करेंगे तो एट एक्स जेड आएगा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और वही आपका क्वेश्चन भी है, इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। तो सिंपली आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू को पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप इसको दो बार में इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से जो भी मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।